सत्कारयोग दूरों दूरों आए मेरे किसान वीरों, मामा भैणा बजुर्ग बच्चे, आओ फतेह दी सांझ पाइए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। किसान वीरों, ये मोदी सरकार दा अड़ियल वतीरा जिहड़ा ये तुहाडा ते साडा सारिआं दा जिहड़ा सबर है ओनू होर परखण दा जतन कर रहे ने। ओ सोच है उन्हां दी कि इहनू जिन्ना लंबा कीता जाए उन्हां शायद ये घोल है जिहड़ा ये नरम पै जाएगा, ये लोग उठ जाणगे ते असी अपनी अड़ी जिहड़ी है ये पगा लवांगे। ये अज स्टेज तो असी दसना चाहुंदे आ मोदी साहब नू, मोदी साहब ये तुहाडी छा ते मोदी दी जोड़ी जिहड़ी है ये उन्हां दी गलत सोच है। ये घोल दिनों दिन वधदा रहूगा और दिनों दिन वध के तुहाडी नींद है जिहड़ी उहनू हराम करदा रहूगा। तुहानू सारी सारी रात जाग के कटनी पऊगी इस घोल दे कारण और इस अंदोलन दे कारण। तुसी ये काले कानून लिया के काले कानूनां नाल इस किसान मजदूर छोटे मुलाजम छोटा व्यापारी छोटा दुकानदार ये सारिआं नूं तुसी मारन दा जतन कीता है, ये हर गई तुहाडी जिहड़ी इह चाल जिहड़ी है इहनूं कामयाब नहीं होण देवांगे। एक गल मैं जरूर अपने सारे साथियों नूं कह देनी चाहुंदा भी किसान वीरो नौजवान वीरो अपनी जिम्मेवारी बनती है एक सब तो वड्डी। जेड़ा मोदी सरकार दे मन विच छक गया मोदी सरकार ओ चाल चलनी चाहुंदा है, आपां नूं उस चाल विच कामयाब नहीं होण देना क्योंकि अपना अंदोलन जेड़ा है इहनूं शांतमई रख के इहनूं अगे वधाउंदे रहना है। क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत हथकंडे अपनाउणे ने, बहुत हथकंडे अपना के अपने बंदे भी भेज के शरारत करनगे। जेकर किते जाने अणजाने अपने किसे बंदे कोलों कोई माड़ी मोटी मिस्टेक होगी उसनू अगे ला के उहदूं घोल नूं कमजोर करन दा उह जतन करनगे। इस करके आपां कोई मौका नहीं उहनां नूं देणा क्योंकि आपां नूं पहलां ही उह कदी अतवादी दसदे ने कदी वक्खवादी दसदे ने। इस करके आपां सारिआं ने बहुत ही डिसिपलिन दे नाल जिवें अज तो 2 महीने 12 दिन 13 हो चले ने अज ये घोल जिहड़ा चलदा आ रिहा है। पर मोदी सरकार दे कन्नां दे जू नहीं सरकदी, पर कारण पता नहीं की है, की लै लिया उन्होंने अडानिया तो, की लै लिया उन्होंने अंबानिया तो, उन्हां दो बंदियां दे बदले सारे देश नूं मारन दा जतन कर रहे ने। ये सारे देश दे लोग जिहड़े ने अज सड़कां ते खड़े ने और मोदी सरकार नूं बार बार ये पुछना चाहुंदे ने लोग वे की गल है तू एडी यारी जिहड़ी उहनां नाल पगा रहा है और लोगों नूं मारन वास्ते तू सड़कां ते रोड़ रहा है। ये सानू पता लगे भी की गल है जिहड़ा उहनां नाल तू एडा सौदा पक्का कर लिया इस गल तों पिछे नहीं हट रहा। कल भी जिहड़े उहने प्रस्ताव भेजे ने तुहाडियां किसान जथेबंदियां ने आगुआं ने उहनां नूं ठुकरा दित्ता है क्योंकि उहनां दे विच कुछ नहीं सी, उह इक कोरे कागज वांगू सन, उह सानू दिसदा सी कि ओही चीज है, ये सानू ठगण दा जतन करदे ने। इस करके उह सारा तुहाडे साथियां ने उहनां नूं ठुकरा दित्ता है। किसान वीरो सब तो वड्डी जिहड़ी गल है आपां नूं डिसिपलिन च रह के जिवें पहलां आपां चल रहे आपां उसे तरह चलना है। असीं मोदी नूं पुछना चाहुंदे आ मोदी साहब ये किसान जिहड़े ने इहनां दी रातों रात क्यों नहीं आमदन वधदी, ये तेरे अडानी ते अंबानी जिहड़े ने ये रातों रात करोड़ां ते अरबां ते खरबां च पहुंच जांदे ने, ये तुहाडियां किहो जिहियां पॉलिसियां ने जिहड़ियां लोकां नूं मारन वास्ते तुसीं तैयार करदे हो। ये तुहाडियां पॉलिसियां लोकां ने चलन नहीं देणियां। दुनिया जाग चुकी है, दुनिया नूं पता लग चुकिया है इदू पिछा तुसीं जो मर्जी कर लिया। 2016 च तुसां नोटबंदी कीती, मैनूं नहीं लगदा तुहाडी सरकार दे विच कोई फैसला लोकां दे हक विच होया होवे। 2016 विच नोटबंदी कीती उदों वी दुनिया दा बेहाल होया, लाइनां विच लगे लोग मरे,
और मोदी टस तो मस नहीं होया होर कई फैसले ने किते ने जीएसटी लाती मैं बहुता उस पासे नु नहीं जाना और हुण जिहड़ा इहने फैसला कर लिया इहने किसान नु बिल्कुल मारन दा जतन किया है और मजदूर नु मारन दा जतन किया है जिहदे नाल सारा देश बर्बाद हो जूगा। किसान वीरों मैं छोटियां जिहा दो लैणा किसी ने लिखिया ने तुहाडे वास्ते कि किसान जिहड़ा है ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਹੀਰਿਆਂ ਤੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਵੇ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਮੱਕੀ ਮੱਕੀ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਤੇਰੀ ਮੱਕੀ ਤੇਰੇ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਜੱਟਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਤੇ ਹਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਅਜੇ ਪੱਕੀ ਨਾ ਜਟਾਵੇ ਤੇਰੀ ਮੱਕੀ ਤੇ ਹਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀ ਤੋਤੇ ਗਾਲੜਕਾਂ ਚੁਣ ਗਏ ਕੁਝ ਸੋਕੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਤੋਤੇ ਗਾਲੜਕਾਂ ਚੁਣ ਗਏ ਕੁਝ ਸੋਕੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ ਪਈ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਭਾਰੀ ਨੀ ਥੋੜਾ ਦਮ ਰੱਖ ਜੱਟੀਏ ਹਾੜੀ ਆਉਣ ਦੇ ਮਕਾ ਦੂ ਸਿਖ ਸਾਰੀ ਨੀ ਥੋੜਾ ਦਮ ਰੱਖ ਜੱਟੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਾੜੀ ਫਸਲ ਸੱਜ ਦੀ ਚੰਗੇ ਕਣਕ ਤੇ ਛੋਲੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਟਕੇ ਐਸੀ ਸ਼ੱਕ ਪੱਤ ਓਲੇ ਨੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਆਫਤ ਪੈ ਗਈ ਬਾਰਾਂ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੇਤ ਬਾਰਾਂ ਚੇਤ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਚ ਡੱਡੂ ਬੋਲੇ ਨੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਆਫਤ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਹਾੜੀ ਦਾ ਦੱਸ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਣੀ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜੇ ਕਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਵੇ ਸੋਕੇ ਡੋਬੇ ਔਲੇ ਆਫਤਾਂ ਵੇ ਸੋਕੇ ਡੋਬੇ ਔਲੇ ਆਫਤਾਂ ਟਿੱਡੀ ਟੋਰ ਤੋਂ ਬਚੀ ਤਾਂ ਵਾਦੀ ਖਾਣੀ ਵੇ ਸੋਕੇ ਡੋਬੇ ਔਲੇ ਆਫਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਆਈ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੀ ਤੋੜੇ ਲੱਕ ਮੰਗਿਆਈ ਉਹ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਵੇ ਕੁੱਲ ਲੁਕਾਈ ਨੀ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਬਲੇਕੀਆਂ ਨੇ ਰੱਤ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੀ ਸਕਾਈ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਬਲੇਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਥੌੜਾ ਚੁੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਲੋਤਾਈ ਉਹ ਥੌੜਾ ਚੁੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖਲੋਤਾਈ ਪੱਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦਾਤੀ ਚੁੱਕੇ ਤੂੰ ਕਰਸਾਨਾ ਤੁਰਪੋ ਪੈਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇ ਨੱਥ ਪਾਈਏ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਨੱਥ ਪਾਈਏ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਠਾ ਕੇ ਵੇ ਨੱਥ ਪਾਈਏ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।